श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशिमंदा जालंधर में संक्रांति का पवित्र पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने प्रभु महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं पार्षद मदनलाल खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, ओम प्रकाश लोच, श्यामलाल लोच, प्रदीप थापा, बलबीर लोच, चमनलाल पाठी, पूरन सारंगल पाठी, गुरदयाल, कमल डालिया, शिव यादव, कुलदीप, महेश अंगुराल, रतन बसन, जयपाल थापा, अमरनाथ भंडारी, तरसेम करलूपिया, जोगिंदर अंगुराल, मदनलाल जंगराल, गणेश लाल बूटाराम, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देई, ज्ञानो देई, उषा लोच, अरुणा लोच, जीतो देई, बेबी डालिया, बिमला अंगुराल, संतोष रानी, रानी लोच, प्रकाशो देई, पुष्पा देई, विमला रानी, शोभा मीनिया और कैलाश देई भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की संक्रांति का जो पवित्र त्यौहार है श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला दे विच सारे संतां दे सहयोग दे नाल बड़ी ही धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है। और अज श्रावण का महीना का जो महीने का नाम है साडे गुरु घर के पाठी श्री चमन लाल जी ने आप सब नूं बड़े ही विस्तार दे नाल श्रावण महीने का पाठ का जो है श्रवण कराया है। तो इस मौके से असी इसरी सभा जैन सभा वालों सारी आई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ और उम्मीद करते हाँ कि इस तरह तुम संक्रांति के मौके से आके गुरु दरबार के नतमस्तक होया करो और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करया करो और गुरु महाराज की सेवा करके गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करया करो। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। अज संक्रांति का पवित्र दिहाड़ा है जो कि गुरु महाराज बाणी ने 12 महीनों का वर्णन करके हर महीने की व्याख्या करके अपनी बाणी लिखी हुई है। अज सावन महीने की शुरुआत हुई है। तो सारे अच्छी तरह जानते हो कि सावन महीना गर्मी भी अत्ती होंगी है और सुहावी ठंडी हवावान भी चलदियाँ चालू हो जाती हैं और दिन भी जोड़ा है वह घटना चालू हो गया है। इस करके मैं संक्रांति के मौके से सारी समूह संगत को अपने नगर वासियों शहर वासियों लख लख मुबारक देना हाँ अरदास करता कि यह महीना सारे खुशियां खेड़े लैके आए और तंदुरुस्तियां प्रदान करे। इस मौके दी लख लख मुबारक। और एक होर बड़ी खुशी की खबर है जो कि कोरोना वायरस ने सबू घेरिया है। तो काफ़ी दिनों तो जलंधर शहर के खास करके मैं बोर्ड जो डेली आती है अखबार दैनिक सवेरा पहले ही पढ़ी भी साढ़े शहर के की हालात हैं।
और बहुत ही कोरोना वायरस तो राहत मिली है। वो राहत का एको कारण है कि साडे लोगों सारे ने सोशल डिस्टेंस की पालना की, मास्क में पा के रखिया। तो हम इस तरह ही असं अगे भी जो समा आने वाला है काफ़ी समय 6 महीने साल 2 साल हो सकता है कि सू मास्क की जी है ना सोशल डिस्टेंस की पालना करके ही अपना जीवन करना चाहिए है। तो ये बहुत राहत की खबर है, बहुत बहुत मुबारक। और आई हुई सात संघ के साथ मुख सेवादार ओमकार लोहित जी, सत्तर पाला जी, राजपाल जसन जी, श्याम लाल लोहित जी और रमेश अंगुराल जी, और सारे पचौदे सज्जन इस मौके पर आए हैं। इस मौके की मैं सारे का धन्यवाद करता हाँ। अज संगरांद का पवित्र दिहाड़ा है, सारिया ही संगत सतगुर रविदास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वास्ते गुरु घर के पहुंचिया हैं। सो असी हर बार बेनती करते हाँ कि संगरांद ते गुरु घर के जरूर आया करो, क्योंकि हर महीने की संगरांद गुरु घर के मनाई जाती है। और साडे गुरु घर के प्रधान मानयोग मदन लाल खिंदर जी और पूरी इंतजामिया कमेटी लंगर का प्रोग्राम भी लंगर का आयोजन भी गुरु घर के किया जाता है तुहाडे सारिया के सहयोग के नाल। सो मैं एक बार फिर बेनती करता हाँ कि गुरु घर के जरूर आया करो। और अज का जो सावन महीना चढ़िया है उसका नाँ साढ़े गुरु घर के पाठी आदमी चमन लाल जी अंगुराल उन्होंने बाणी के बीचों शब्द लैके अज का जो नवे महीने का नाँ है सारी संगत को सरवण कराया। सो मैं अज के इस मौके पर संगतों को लख लख बधाई।